नमस्कार दोस्तों, नेशन इंडिया न्यूज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चंद्रभूषण पांडे आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूं जो समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं और कई क्षेत्रों में इन्होंने बहुत अच्छा अच्छा काम किया है। आज उनका कुछ काम बस हमारे ऑफिस के करीब में आए थे, हमने उनको पकड़ा और उनसे बातचीत करने के लिए प्रेरित किया। इनका नाम है मुकेश ठाकुर जी, जो बिहार से बिलोंग करते हैं। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी नमस्कार, मैं सभी को बोलना चाहूंगा, नेशन इंडिया न्यूज को बहुत बहुत आभार जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है अपने विचार व्यक्त करने के लिए। और मेरा तो ऐसा है कि हम समाज सेवक के रूप में है, जहाँ भी हमको ये है कि जहाँ बिहार के लोग या उनसे जुड़ी जो भी समस्याएं रहती हैं उनके लिए हम सदैव खड़े रहते हैं और उनका निवारण के लिए हमेशा कोशिश करते हैं। आप काम करते हैं ये हम लोगों को पता चला, लेकिन आप मीडिया से रूबरू क्यों नहीं होते हैं? मेरा मकसद ऐसा रहता है कि आप काम कीजिए और ज़्यादा मीडिया से मैं नहीं रूबरू रहता हूँ, कि दिखावे का मुझे इतना नहीं अच्छा लगता है या नहीं शौक है। कि आप काम करते रहेंगे तो अपने आप ही लोगों के बीच में आपकी पैठ बनी रहेगी, तो यही मेरा मानना था। और अगर मीडिया ने मुझे आमंत्रित किया है तो इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अभी आपने क्या नया सोचा है, आप अपने समाज सेवा के तौर पे नया क्या सोच रखते हैं, कहां आप आगे किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं? अभी जो कई काम जो अभी भी बाकी हैं, समाज सेवा एक ऐसा चीज है, ऐसा फील्ड है या ऐसा एरिया है कि जहां कभी भी मतलब ये कोई जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म नहीं होते हैं। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो निकल के आ रही है बिहार वासियों के लिए, जब वो अपने वहां से बाहर निकलते हैं दूसरे राज्यों में जाते हैं, उनका एक अजीब किस्म की आइडेंटिटी निकल के आती है कि वो निकलते ही उनका मोरल डाउन क्यों हो जाता है। ये कई समस्याओं का जड़ है कि बिहार के नाम से या बिहारी के नाम से लोगों को इतनी है दृष्टि से क्यों देखा जाता है, जबकि बिहार ने हर चीज दिया, वहां के लोग शिक्षित वर्ग के लोग, हर तरीके के लोग, और भारतवर्ष को आदिकाल से हर चीज और भारतवर्ष को भारतवर्ष बनाने में या प्रगतिशील बनाने में हर वक्त कदम से कदम मिला के बिहारी लोगों ने, बिहार के लोगों ने या बिहार ने हमेशा साथ दिया है। लेकिन समय की प्रकाष्ठा को देखिए कि वही भारतवर्ष बनाने वाला इंसान को जब अलग दृष्टि से देखा जाए और उसके जो मनोबल को ठेस पहुंचने लगे, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आई है जो हर किसी के मन में ये घर किया है। वैसे बिहार तो इतिहास जानने वाले के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बिहार को सब जानते होंगे जो इतिहास से रूबरू होंगे, कि बिहार ने बहुत कुछ दिया है। बिहार ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें, और शिक्षा के क्षेत्र में जो कि आदिकाल से मशहूर रहा है बिहार शिक्षा के तौर पे, और आज भी बिहार से आईएएस आईपीएस निकल के आ रहे हैं। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं है दृष्टि वाली बात, कि बिहार को है दृष्टि से देखा जाता है, तो आप क्या चीज चाहते हैं कि बिहार को किस चीज में कन्वर्ट किया जाए? इसके लिए सबसे पहले तो लोगों का मनोबल बढ़ाना होगा, अपने जो लोग हैं बिहार के लोग हैं, बिहार प्रवासी लोग हैं या वहां रहने वाले लोग हैं, पहले तो उन्हें उनका मनोबल को बढ़ाना होगा। और मनोबल तभी बढ़ता है जब आप अपने इतिहास को देखते हैं, आप अपने योगदान को देखते हैं, और इतिहास आपका इतना गौरवशाली है। मगध, मैं मगध नाम को मैं बार बार प्रयोग कर रहा हूँ, मगध नाम हमारा जो प्राचीनतम नाम है और बहुत ही गौरवशाली नाम है, और जब तक मगध नाम रहा उसने पूरी दुनिया में परचम लहराया हर तरीके से, जहाँ तक कि हमारे जो इतिहास कहती है कि सिकंदर तक जो हमारे मगध में मगध पे जो आक्रमण करने की बात सोच रहे थे वो मगध का नाम सुन के ही लौट गए और उनकी कहानी भी वहीं पर खत्म हुई। तो इस किस्म का कुछ इतिहास निकल के आता है, और मगध जब तक था तब तक बिहार एक गौरवशाली और एक अति परिपूर्ण राज्य के रूप में रहा।
विगत वर्षों में कुछ जंगल राज जैसा वहां पे आया, जिस वजह से लोगों की शिक्षा, उनकी चिकित्सा, उनका जो उनके अंदर जो उत्थान होना चाहिए एक बिहारी लोगों का, वो नहीं हुआ, जिसका कारणवश ये हुआ कि आखिरकार बिहार को अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, अपनी चिकित्सा के लिए वहाँ से बाहर निकलना पड़ा। और जब हम किसी अपना जगह, अपने घर को छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ जो एनवायरनमेंट होगा, वहाँ का जो समय का जो समावेश होगा, ऐसा होगा कि बहुत दिनों तक वो हमें नहीं वहाँ पे बर्दाश्त करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि पहले अपने घर को ही हम मजबूत क्यों ना बनाएं कि लोगों को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। और ये तभी होगा जब अपने बिहार को दोबारा उत्थान और उसके आगे विकास की जो धारा है वहां पे तेज करके हर बिहारी को विकसित किया जाए और उसको मनोबल से भी ऊंचा किया जाए। तो इसमें सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि बिहार को मगध बनाया जाए। आपका मांग है कि बिहार को मगध राज्य घोषित किया जाए, बिहार का नाम चेंज किया जाए। आप सरकार से कहां कहां, किस जगह तक ये बातें उठा चुके हैं कि बिहार का नाम बदला जाए? मैं ये समय समय पे सरकार से ये मांग करता रहता हूँ, अपना जहाँ तक मेरी पहुँच होती है लोगों के बीच जाता हूँ, उनको बताता हूँ, या मैं कई बार जो है अपने राजनीति के लोग मिलते हैं उनसे भी अपने विचार को रखता हूँ कि पहले बिहार के नाम को एक गौरवशाली नाम में परिवर्तित किया जाए। जो मगध है, मगध नाम आते ही जो इंसान वहाँ का है, वाशिंदा है बिहार का, उसे तो पहले अपने इतिहास के बारे में जानने के लिए मिलेगा, तब वो अपना गौरव महसूस करेगा। जब तक आप अपने जगह से, अपने इतिहास से, अपने पूर्वज से आप गौरवशाली महसूस नहीं करते हैं, तब तक आपके अंदर से वो परिवर्तन की जो जोर है, परिवर्तन का जो जिसे हम वेव लहर कहते हैं, वो नहीं आती है। तो सबसे पहले उसके नाम को चेंज करना चाहता हूँ, और नाम चेंज होने के बाद फिर हर बिहारी को जब ऐसा लगने लग जाए कि नहीं, हम इस मगध राज्य के वासिंदे हैं जिसने पूरी दुनिया में परचम लहराया था या लहराया है, या वहां के लोगों ने अपना योगदान दिया है, तो ऑटोमेटिक उनके अंदर भी परिवर्तन आएगा। योगी जी का जैसे कि कार्य रहा है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिया है, और मुगल सराय का उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया है। ऐसे तर्ज पे मुकेश ठाकुर जी भी मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमारे भी राज्य बिहार का नाम चेंज करके मगध रखा जाए, जिससे वहां के लोगों का मनोबल बढ़ा रहे। मुकेश जी, जैसे नाम चेंज होता है उसके बाद आपका क्या सोच है? नाम जब परिवर्तन हो जाएगा, नाम में परिवर्तन हो जाएगा, तो मैं आशा करता हूँ कि लोगों के हृदय के अंदर भी परिवर्तन होगा, उनके अंदर सोचने समझने की क्षमता कुछ दूसरे तरीके से आएगी, वो भी दूसरे राज्यों के लोगों से आंख मिला के बात कर सकेंगे और अपनी जो उपलब्धियां हैं उसे वो बता सकेंगे, और इस तरीके से वो अपना जीवन सुधार सकेंगे। और इसके बाद एक ऐसा समय भी आएगा जहाँ पे कि जैसे कि मगध राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय उस समय का विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, यानी कि ज्ञान का भंडार। उसी तर्ज पे लोग वहां से जो निकलते हैं, बड़े बड़े लोग निकलते हैं, आईएएस आईपीएस डॉक्टर, हर तरीके के लोग वहां से निकलते हैं और अपने विभिन्न क्षेत्रों में जाके देश की सेवा करते हैं, सब कुछ है। लेकिन अभी भी वहां पे बहुत कुछ बाकी है जो शिक्षा के क्षेत्र में वहां पे काम करना है। मुझे लगता है कि 80% जो आबादी है वहां की, वो सही शिक्षा की ओर नहीं पहुंच पाती है। इसके पीछे का जो कारण है कि गत वर्षों में राजनीतिक उथल पुथल के कारण, या राजनीतिक लोगों की कार्यशैली क्षमता न होने के कारण जो शिक्षा की कमी वहां पे आई, जिस वजह से लोगों के अंदर अपने इतिहास को जानने का या अपने आप की खोज करने का उन्हें मौका ही नहीं मिला, और इसी प्रकार ऐसा हुआ कि वो जब बाहर गए तो वो कुछ अपने आप को बता ही नहीं पाए कि उनकी क्या उपलब्धियां हैं। तो कुछ लोगों का ऐसा वहां पे जब परफॉर्मेंस रहा, तो जब
सोचा गया कि भाई इसके पीछे का आखिर कारण क्या है, तो कारण यही है कि जब आप अपने इतिहास के बारे में नहीं जानते हो तो आप आगे सामने वाले को भी आप अपनी उपलब्धियां नहीं बता सकते। मुकेश जी, आप जैसे समाज सेवक के तौर पे अच्छा कार्य कर रहे हैं और लोगों में अच्छा खासा जान पहचान हो चुका है आपका, लेकिन और लोग जो नए आपसे जुड़ना चाहें, जिस तर्ज पे आप चल रहे हैं, जो मुहिम आप लेके चल रहे हैं कि बिहार का नाम चेंज करके मगध होना चाहिए, तो उस मुहिम में आपसे जुड़ने के लिए लोग कैसे आपके संपर्क में आएंगे? मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि जो लोग हैं इसमें एक मगध निर्माण में मगध सैनिक की तरह इसमें जुड़े, और मैं लोगों को आग्रह करता हूं कि इस पुनर जो उत्थान का कार्य हमने सोचा है या करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ के जो है आए और हाथ से हाथ मिलाए, ताकि इसमें ऐसा हो कि एक आदमी अपना सोच दे सकता है, लेकिन जब बाकी की विचारधारा, सेम विचारधारा के लोग जब आके जुड़ते हैं तो वही एक पूरा सैलाब बन के बाहर आता है और एक परिवर्तन को लाता है। तो मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि आकर के हमारे इस विचारधारा से जुड़े और हमें आगे बढ़ने में, अपने बिहार को, अपने क्षेत्र को आगे विकासशील बनाने में अपना योगदान दें। ये हैं हमारे साथ मुकेश ठाकुर जी, जिन्होंने बिहार राज्य का नाम चेंज करने की मांग की है सरकार से कि बिहार का नाम चेंज करके मगध रखा जाए। अगर जो लोग मुकेश ठाकुर के बातों से सहमत हैं या असहमत हैं, हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके वो अपने विचार को प्रकट करें। और मुकेश ठाकुर जी, आपने जो अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नेशन इंडिया न्यूज को धन्यवाद कहूंगा जो कि मुझे अपने विचार अपने लोगों के बीच में रखने का उन्होंने मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा। और फिर से लोगों से आग्रह करूंगा कि इस मुहिम में जरूर हमारा साथ दें और अपने बिहार को पुनः फिर से विकसित करने में हमारा साथ दें। धन्यवाद।